हेलो हेलो नजरे स्क्रीन पे आप सभी का स्वागत है एमकेसी के नीट वाले प्लेटफॉर्म पे। लास्ट लेक्चर में आपन ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था। आज उसी कड़ी में आपन उसके आगे 2017 तक हमने किया था, आज अपन 2017 के बाद यानी 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कवर कर रहे होंगे। क्लियर है? चलिए फटाफट अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप बता दीजिए क्या विजिबिलिटी और ऑडिबिलिटी क्लियर है? क्या विजिबिलिटी और ऑडिबिलिटी क्लियर है क्या? चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। ये इस चैप्टर का 71 नंबर क्वेश्चन है, मतलब इसके पहले 70 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सॉल्व करा दिया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज यानी केटीजी और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। क्लियर है? चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रखा है इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड बी लेड टू। कंटेनर क्या कर रहा है? अगर ऑप्शन की बात करें, इंक्रीज इन इट्स मास या इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी या डिक्रीज इन इट्स प्रेशर या डिक्रीज इन इट्स आइसो मॉलिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? तो अपन जानते हैं इंक्रीज द टेम्परेचर वुड बी लीड द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस अज्यूमिंग द आइडियल गैस। तो U बराबर क्या निकल के आएगा? U बराबर F by 2 is equal to क्या हो जाएगा? Into बेटा eta into RT F by 2 eta into RT के बराबर हो जाएगा। It means क्या हो जाएगा? Increase the kinetic energy, मतलब क्या हो जाएगा कि kinetic energy भी इसकी increase हो जाएगी। So option number B is the correct answer। इस सवाल का जो सही answer है option number B is the correct answer है। Clear है क्या? चले बात करते हैं अपन अगले question पे। अगला question आपके computer screen पे है, फटाफट solve करने की कोशिश करिएगा। बोल रखा है a copper rod of 88 centimeter and an aluminium rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. The length of aluminium rod is equal to alpha दे रखा है copper का 1.7 into 10 की power minus 5 and alpha दे रखा है aluminium का 2.2 into 10 की power minus 5। clear है क्या? इस क्वेश्चन में अपन से बोल रखा है हीट की बात की रखी है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू सी यू इंटू बेटा लेंथ इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू एल्युमिनियम का इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का। क्लियर है क्या? लेंथ हो जाएगा एल्युमिनियम का। क्लियर है? चलिए अगर अपन बात करें तो अल्फा क्या कॉपर का दे रखा है सवाल में 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 5 दे रखा है इंटू बेटा 88 सेंटीमीटर लेंथ दे रखा है कॉपर का इंटू 88 सेंटीमीटर लेंथ दे रखा है। इसका अल्फा एल्युमिनियम का यहाँ दे रखा है 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। लेंथ एल्युमिनियम का पूछ रखा है, क्या निकल नहीं जाएगा? क्या निकल जाएगा? जब लेंथ एल्युमिनियम का निकालेंगे तो जो लेंथ एल्युमिनियम का निकल के आएगा 88 सेंटीमीटर के समथिंग निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा मेरे भाई? 88 सेंटीमीटर इसको सॉल्व करने के बाद निकल के आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 88 सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर होगा। क्लियर है क्या? 88 सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके नीट 2019, इसके प्रीवियस के जो दो क्वेश्चन थे ये भी नीट यूजी 2019 में आया था, ये भी नीट यूजी 2019 में आया था। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी नीट यूजी 2019 में आया है। बोल रखा है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो क्या होता है मेरे भाई? वाट इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेटा, ये रटने वाला सवाल है। क्लियर है क्या? इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन आपके नीट 2019 आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? चलिए बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट केट इन अ लार्ज रूम हैविंग एयर टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेक्स 12 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। द टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम सेम ऑब्जेक्ट ऑफ 70 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड वुड बी नियरली।
क्लियर है क्या? अपन बात करें अगर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, T1 minus T2 अपॉन में बेटा T1 is equal to क्या हो जाएगा, K into ब्रैकेट में T1 plus T2 upon में T2 plus minus TS के बराबर हो जाएगा। एक बार पहले अपन यहाँ से 82 केस 1 में 82 70 डिग्री पे बात कर रहे होंगे, फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 72 60 के लिए, फिर सेम फॉर्मूला यहाँ से जब k की वैल्यू क्या निकल के आएगी 82 70 पे तो 1/60 निकल के आएगी। जब अपन इसको 72 60 पे बात कर रहे होंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे भाई k की क्या वैल्यू निकल के आएगी, टाइम t इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, टाइम पूछ रखा है तो 10 × 60/40 निकल के आएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 15, तो t इज इक्वल टू 15 मिनट इज द करेक्ट आंसर। यानी इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर डी है 15 मिनट इज द करेक्ट आंसर, इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी 15 मिनट इज द करेक्ट आंसर, इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर डी है 15 मिनट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर डी है 15 मिनट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, ये भी आपके नीट 2019 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी नीट 2019 आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ गामा इज इक्वल टू CP/CV फॉर हाइड्रोजन अथवा हीलियम एंड अनदर आइडियल डायटॉमिक गैस एक्स होज मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड बट हैव एन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड एट द रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। क्लियर है क्या? गामा की वैल्यू की बात की जा रही है, एक्स की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। पहले क्या करते हैं, F इज इक्वल टू 3 था, क्या था F, क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F क्या है मेरे भाई यार, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F क्या है यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3 दे रखा है, तो यहाँ से गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा बराबर CP/CV हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी 1 - 2/3, गामा की वैल्यू 1 - 2/3। और अगर अपन बात करें F इज इक्वल टू 5 पे, यहाँ से गामा की वैल्यू जब अपन सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 5/3 के समथिंग निकल के आएगा। अगर F इज इक्वल टू 5 पे बात करें तो वही गामा बराबर CP/CV लगाएंगे, यहाँ से CP/CV की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो 7/5 के समथिंग निकल के आएगी, 7/5 के समथिंग निकल के आएगी। फिर यहाँ से गामा इज इक्वल टू CP/CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 2/7 हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो निकल के आएगा एक्स की वैल्यू, गामा की वैल्यू क्या निकल के आएगा CP/CV इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 9/7। अगर एक्स की बात करें मेरे भाई तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगा 5/3, 7/5, 9/7 के समथिंग निकल के आएगा, 9/7 के समथिंग निकल के आएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो अगर अपन ऑप्शन की बात करें मेरे भाई, ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले 5/3 फिर 7/5 फिर 9/7, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, बिंदास, जिंदाबाद। चलिए अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नीट 2019 आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए फटाफट पढ़ते हैं। बोल रखा है 1 ग्राम वाटर इन वॉल्यूम 1 cm³ एट 100°C कन्वर्टेड इंटू स्ट्रीम द सेम टेम्परेचर अंडर द नॉर्मल एटमोस्फियर प्रेशर इज इक्वल टू 1 × 10^5 पास्कल, द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रीम फॉर्मड इक्वल टू 1671 cm³
इफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट द वेपराइजेशन ऑफ अ वाटर इज इक्वल टू 2 to 5, 6 जूल पर ग्राम देन द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी. चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की बात की जा रही है इस सवाल में, तो अपन चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डीएलयू बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, डी यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. और डी क्यू की बात करूं, डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ V हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ V हो जाएगा. यानी यहाँ से M की वैल्यू 1 ग्राम इंटू लेटेंट हीट क्या दे रखा है मेरे भाई, लेटेंट हीट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2256 जूल पर ग्राम. तो यहाँ पे 2256 हो जाएगा जूल पर कूलम. यानी यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा 2256 जूल के समथिंग निकल के आएगा डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू आ गया 2256 जूल के समथिंग. क्लियर है क्या? तो डब्ल्यू बराबर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो जाएगा. क्वेश्चन के अंदर दे रखा है टी कितना दे रखा है, 10 की पावर 5, 1 × 10 की पावर 5 यानी 10 की पावर 5 इंटू वी फाइनल क्या दे रखा है मेरे भाई, 1671 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1671 वैल्यू. क्लियर है क्या? तो 1671 माइनस 1 हो जाएगा, इनिशियल बेटा 1 था, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे भाई इंटू 10 की पावर 6, इसको जब कन्वर्ट करेंगे यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी W बराबर क्या निकल के आएगा, 1675 निकल के आएगा. क्लियर है क्या? तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या निकल के आएगा, डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा क्यू की वैल्यू रख दो, फिर डेल्टा यू की डब्ल्यू की वैल्यू रख दो, तो क्या निकल के आएगा, डेल्टा यू की वैल्यू 2089 जूल्स एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल. क्लियर है क्या? 2089 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इसमें से इसको घटाने पर 2089 इज द करेक्ट आंसर. इस सवाल का जो सही आंसर होगा 2089 इज द करेक्ट आंसर होगा. चलिए बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे. ये नीट आपके 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है. बोल रखा है दी एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोटॉमिक गैस इज केबी इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड दी टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. तो इसको अपन को फाइंड आउट करना है दी एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोटॉमिक गैस बराबर क्या होता है, ए इज इक्वल टू 3/2 के बी इंटू टी के बराबर होता है. यहाँ से अपन जब सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई जो वैल्यू निकल के आएगा 3/2 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. 3/2 के बी इंटू टी के बराबर होगा. क्लियर है क्या? 3/2 इंटू के बी इंटू टी के बराबर होगा. क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, बिंदास. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. अगला क्वेश्चन 2020 नीट यूजी में पूछा गया क्वेश्चन है. द मेन फ्री पाथ ऑफ गैस विथ मॉलिकुलर डायमीटर डे इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेंसिटी एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. नंबर ऑफ डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बोल रखा है. तो अपन जानते हैं मीन फ्री पाथ किसके समानुपाती होता है. मीन फ्री पाथ किसके समानुपाती होता है मेरे भाई. तो 1/√2 इंटू एन पाई डी स्क्वायर के बराबर होता है. एन पाई डी स्क्वायर के बराबर होता है, समानुपाती होता है. तो यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो √nπ/d² यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा. क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा. चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, बिंदास, जिंदाबाद. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन. अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है. ये आपके नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है. बोल रखा है सिलिंड्रिकल कांस्टेंट हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 किलो पास्कल एंड द टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू आर बराबर 8.3 जूल पर मोल इंटू केल्विन दे रखा है आर की वैल्यू. तो अपन जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी से पीवी बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू वी बराबर एम अपॉन बेटा मास अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू बेटा आर इंटू टी हो जाएगा.
यहाँ से जब अपन रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो की वैल्यू क्या निकल के आएगा, पी एम अपॉन बेटा आर इंटू टी हो जाएगा। पी की वैल्यू 249 दे रखा है इंटू 10^3 हो जाएगा क्योंकि किलोग्राम में दे रखा है, इंटू बेटा 2 इंटू मास क्या है 2 × 10^-3 ग्राम में दे रखा है, अपॉन बेटा आर की वैल्यू दे रखा है 8.3 जूल। क्लियर है क्या? इंटू बेटा टेम्परेचर 27°C दे रखा है, इसको जब केल्विन में बदलेंगे तो 273°C और ऐड कर देंगे, इसका मतलब जो निकल के आएगा 300 निकल के आएगा। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो जो रो की वैल्यू निकल के आएगी 0.2 kg/m³ निकल के आएगी, 0.2 kg/m³, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, बिंदास, जिंदाबाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बोल रखा है दी इफिशियंसी ऑफ अ कार्नाट इंजन डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है इफिशियंसी ऑफ कार्नाट इंजन इज डिपेंड्स अपॉन, इफिशियंसी ऑफ कार्नाट इंजन इज डिपेंड्स अपॉन दी वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल ऑफ अ इंजन, the volume of a cylindrical of the engine, the efficiency of a Carnot engine is depends upon। बेटा ये क्वेश्चन कुछ गलत टाइप हुआ है, क्वेश्चन ही बोल रखा है the efficiency of a Carnot engine it depends upon, फिर वही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में भी वही है, ऑप्शन बी में भी वही है, दी इफिशियंसी ऑफ कार्नाट इंजन इज डिपेंड्स अपॉन। अगला जो विकल्प है बेटा दे रखा है दी वॉल्यूम ऑफ दी सिलिंड्रिकल ऑफ दी इंजन, बेटा ये दोनों विकल्प सेम है, ये दोनों विकल्प सेम है, ये तो क्वेश्चन ही उठा दिया है, तो ये गलत टाइपिंग हुआ है, टाइपिस्ट हमारा सस्ता नशा करके बैठा हुआ है भाई, क्या टाइप कर रहे हैं ये लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात, ये क्वेश्चन लॉन्ग है इसलिए अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। बोल रखा है द मीन फ्री पाथ एल फॉर अ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन ए डायमीटर डी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स एज, ये नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि द मीन पाथ ऑफ एल फॉर अ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन डायमीटर डी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स एज कितना होगा मेरे भाई। तो अपन जानते हैं लैम्डा जो होता है, लैम्डा जो होता है किसके समानुपाती होता है बेटा, 1/d² के समानुपाती होता है, यानी लैम्डा समानुपाती d^-2 हो जाएगा। यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो d^-2 बोल दो या 1/d, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस सवाल का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे फटाफट। ये आपके 2020 COVID-19 में पूछा गया क्वेश्चन है, COVID-19 के दौरान 2020 में बेटा पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है बेसिकली अपन बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है एन आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज p=ρ×RT वेयर रो एंड एम नॉट इज रिस्पेक्टिवली, सॉरी बेटा ρ×RT अपॉन में बेटा एम नॉट दे रखा है, तो आइडियल गैस इक्वेशन p=ρ क्या दे रखा है, ρ×RT अपॉन में बेटा एम नॉट दे रखा है। तो यहाँ से जब अपन सॉल्व करेंगे तो p×m0/p बराबर क्या हो जाएगा RT, यानी यहाँ से pv बराबर क्या हो जाएगा RT, यानी v की वैल्यू क्या हो जाएगा m0/ρ हो जाएगा। यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, मास डेंसिटी ऑफ द गैस नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ मॉलर मास, ऑप्शन नंबर सी मास डेंसिटी मोलर मास,
यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, मास डेंसिटी ऑफ मोलर मास इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, बोल रखा है द पीवी डायग्राम ऑफ आइडियल गैस इन द पोजीशन पिस्टन सिलेंडर असेंबली अंडर गोइंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज शो इन द फिगर द प्रोसेस द इनिशियल स्टेज ऐसा है। यहाँ पीवी ग्राफ दे रखा है, फाइनल स्टेट यहाँ है, तो बोल रखा है एडियाबेटिक होगा कि आइसो बारिक होगा कि आइसोथर्मल होगा। तो मेरे भाई प्रेशर रिमेंस सेम है, तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस होगा आइसोबारिक प्रोसेस होगा, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक प्रोसेस होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपन बात करते हैं नीट यूजी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है एक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, बोल रखा है थ्री स्टेट ए बी सी हैव सरफेस टेम्परेचर टी ए टी बी एंड टी सी रिस्पेक्टिवली स्टार ए अपीयर ब्लिस स्टार बी अपीयर रेडिस एंड द स्टार सी येलो विस हेंस। तो कौन बड़ा होगा इसकी बात की जा रही है। अपन बात करें अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट लॉ से, तो लैम्डा बराबर क्या होता है बी बाई टी, इसको हमने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर वन बोल दिया। वी नो अपन जानते हैं कि लैम्डा ब्लू जो होगा ये छोटा होगा लैम्डा येलो से, और लैम्डा येलो रेड जो होगा सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब लैम्डा ए छोटा होगा लैम्डा बी से, फिर लैम्डा बी जो होगा सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? लैम्डा सी सबसे बड़ा होगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया। तो इसका मतलब क्या है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से जो वैल्यू निकल के आएगी टी ए सबसे बड़ा होगा, फिर टी सी होगा, फिर टी बी होगा। यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा टी ए ग्रेटर देन टी सी ग्रेटर देन टी बी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या? रॉकी बाय कमेंट कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन नीट यूजी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोल रखा है एक कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन 10 मिनट्स व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड द टाइम टेकन बाई अ सिमिलर कप ऑफ कॉफी एट 80 to 60 एट रूम टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर क्या दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो अपन जानते हैं देयरफॉर द टाइम टेकन ऑफ अ सिमिलर कप ऑफ कॉफी 80 to 60 तो द टेम्परेचर ऑफ सेम 22 तो जो इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा मेरे भाई तो ये निकल के आ रहा होगा 13T/5 के समथिंग 13T/5। यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें मेरे भाई तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है। ये ऑप्शन जो होगा मेरे भाई 13T/5 के समथिंग होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बस यहीं तक है, इसके आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अपन केटीजी के सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात कर रहे होंगे, तो मेरे साथ रोज दोपहर 3 बजे एमकेसी के नीट वाले चैनल पे जुड़ना ना भूला करिए। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।